So greetings and the mighty name of my Lord Jesus Christ. So khudam yesu masih ke babarkat naam mein aap sabko ki salamti ho. So today I am Pastor Nikash from One in Christ Ministries. So mera naam Pastor Nikash hai aur mera taluk One in Christ Ministries ke saath hai. And before the starting the sermon, I am today really thankful to you all of you. And especially for the PMC channel and the president of this ministry, Bishop Dr. M.M. Vakas, who provide this chance to us. So, Sebastian, I will share my God's Kalam with you all. One in Christ Ministries ke president or head bishop, the Kaddis Maab, M.M. Vakas Sahab, ka ke jinhone hame ye mauka bakhsha hai, aur iske saath saath PMC Pakistan Masihi Channel ka ke wo aaye taake khuda ka kalam jo hai wo record kare aur bahut si zindagiyan is muqaddas kalam ke wasila se mustafid ho sake. So today, first of all, I'm going to talk about a sermon, a message, a topic as the disease corona, name coronavirus. So mere azizo, मैं आज खुदाम के जिंदा इल्हामी और मुकद्दस पाक कलाम में से उस मोहलिक वबा के बारे में बात करूंगा जो आज कोरोना वायरस के नाम से जानी जा रही है. खुदाम के पाक कलाम में से मैं आपकी रहनुमाई करूंगा कि खुदा का जिंदा कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द रियलिटी एंड व्हाट द होली वर्ड्स ऑफ माय लॉर्ड ऑलमाइटी टीच अस इन दिस सिचुएशन. और मेरे अज़ीज़ो, मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से इस बात को बयान करूंगा कि खुदा का जिंदा कलाम इस मुश्किल वक्त में हमारी कैसे जो है वो रहनुमाई करता है. सो लेट्स सी फॉर द रेफरेंस फ्रॉम अ न्यू इंटरनेशनल वर्जन द ओल्ड टेस्टमेंट द बुक ऑफ साम द साम 31 एंड इट्स वर्स 23-24. और मेरे अज़ीज़ो, हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे पुराने अहदनामा में से जबूर उसका 31 बाब और उसकी 23 और 24 आयत. सो द होली वर्ड डिस्क्राइब लव द लॉर्ड ऑल हिज फेथफुल पीपल द लॉर्ड प्रोटेक्ट द फेथफुल बट पनिश द प्राउड एज दे डिजर्व बी स्ट्रॉन्ग बी कर्जियस ऑल यू दैट होप इन द लॉर्ड आमेन. और मेरे जो 23 और 24 आयत में लिखा है, खुदाम से मोहब्बत रखो उसके सब मुकद्दसों, खुदाम ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है. आए खुदाम पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कभी रहे. आमीन. सो टुडे अ वेरी ग्रेट वर्स आई फाउंड दिस from the word of God Almighty. So let's pray. So all eyes be up, close for the prayer. So इसे बेशतर कि हम खुदाम के इन जिंदा मुकद्दस अल्फाज की जो है वो तफसीर देखें. आए अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करेंगे हम. Oh heavenly father, as in the आसमानी बाप, today we give you thanks and all praise. आए खुदाम, हम तमजीद के साथ तेरे हजूर हर एक बात के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं. एंड फॉर यू मोस्ट इन ग्रेस योर लव और तेरी बेपना मोहब्बत के लिए और तेरे रहम के लिए. दैट यू डू विद अस पर ऐ खुदाम, जो तू मसीह यीशु के वसीला से हमारे साथ करता है. अ लॉर्ड हेवनली फादर, टुडे वी पुट दिस रेफरेंस इन योर होली प्रेजेंस एंड लेट ऑल ऑफ अस दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर वर्ड्स मीनिंग. आया खुदा, हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं और सरबस्जूद हैं कि तू अपने कलाम का भेद और अपने कलाम की समझ हमारे दिलो दिमाग में भर दे. जीसस नेम, मसीह यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. सो दे ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, सो मसीह में मेरे सब बहन भाइयों, टुडे आई ग्रेट यू एंड द ऑलमाइटी नेम ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मैं खुदा के अजीम और बरकत नाम में आप सबको सलामती पेश करता हूँ. एंड टुडे my purpose of this reading as to tell of you that you love the God. aur mere azizo, mera ye khuda ke zinda muqaddas pak kalam mein se padhna is baat ko
ظاہر کرتا ہے. اور میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں. Because love means sacrifice that will learn, that will seek from God as God shot. اور میرے عزیزو جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو محبت صرف ہونٹوں تک نہیں بلکہ میرے عزیزو جب آپ خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. So today God demands us that we love him, mean we sacrifice our this body to him. اور میرے عزیزو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایسی محبت رکھیں کہ ہم اپنے دلوں کو خالی کریں اور اپنے آپ کو وقف کر دیں خدا کے لیے. Why? Because the words describe that the people who love God and faithful will be saved and preserved. اور میرے عزیزو خدا کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور خدا سے محبت رکھتے ہیں حقیقی محبت رکھتے ہیں خدا ان کو آپ بچا لے گا. Amen. آمین. So today a very interesting, a real, a truth, a show among us and God demands us that we love him. اور میرے عزیزو خدا کا کلام اس بات کی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے کیا کریں محبت رکھیں. So my dear companions, as you can see today's the conditions is very critical. One disease that comes from the sin of the man the name coronavirus. اور میرے عزیزو جیسا کہ آج ہر طرف جو ہے وہ ہفرا تفری جو ہے وہ پڑی ہے اور لوگ میرے عزیزو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور بہت تنگ ہیں بہت دکھی بھی ہیں. And I want to tell about this corona virus that they start from a China country and province Wuhan. اور میں اس بات کو بھی بخوبی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ابتدا چائنا سے شروع ہوئی اس کے شہر ووہان سے. And you know God said in the Isaiah 66 chapter that who eat the bad things and disobey God like a pig will be punished with the diseases. اور میرے سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسعیاہ کی کتاب اس کے 66 باب میں کہ جو حرام کھاتے ہیں خدا ان پر وبا نازل کرے گا. So this disease is come from sin. اور میرے سو یہ جو مہلک وبا پھیل چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی جو ہے وہ گناہ ہے. So today our world is surrounding by this virus. اور میرے عزیزو صرف خدا کی نافرمانی کے سبب سے آج ہر طرف ہمیں اس مہلک وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. So today however man sin but God loves you. میرے عزیزو خواہی کتنی گنہگار زندگیاں ہوں لیکن خدا پھر بھی آپ سے محبت And Jesus forgive you on اور مسیح یسو کے نام میں آپ کو بخش دیتا ہے. Amen. آمین. So today repent. So میرے عزیزو آج ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام حالات کو آگے رکھتے ہوئے توبہ کے پہلو کو اپنائیں. That this disease come from a sin but you repent that you can save yourself by God's power from this disease. اور میرے عزیزو جب آپ توبہ کریں گے تو خدا کی قدرت اور خدا کا رحم آپ کی زندگی میں بھر جائے گا اور آپ ہر طرح کے گناہ ہر طرح کی بیماری اور وبا سے نجات اور میرے عزیزو شفا پائیں گے. As we can see in the age of the Moses اور جیسا کہ ہم میرے عزیزو موسیٰ کے دور میں دیکھتے ہیں. So please open a reference from the Exodus اور عزیزو ہم خدا کے زندہ کلام میں سے خروج کی کتاب میں سے پڑھیں گے chapter 32 and verse 26 اور اس کا 32 باب اور اس کی 26 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. So as written, so he stood at the gate of the camp and shouted, everyone who is one, the Lord's side, come over here. So all the Levites gather around him. تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے. تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئی. Amen. آمین. So you can see this, you can know also this occasion when
the prophet of the God Moses climbed up a mountain and returned and see the peoples made many mistakes. They performed idolatry works. So God was in anger, full of anger, and he told Moses, I will kill all these people. So और मेरे ऐसे जब मूसा पहाड़ पर जाता है और वो 40 दिन का रोजा रखता है और खुदा उसको 10 हुक्म देता है, मेरे अजीजों उस वक्त में जो है वो इसराइल के लोग जो उनमें जिनके अंदर मेरे अजीजों बदी का जज्बा जागता है, गुनाह जागता है, वो मेरे अजीजों खुदा की मर्जी के खिलाफ गुनाह करते हैं। वो अपने लिए बछड़ा जो है वो सोने का बछड़ा तैयार करते हैं और खुदा मेरे अजीजों जब इस बात को देखता है तो खुदा को बड़ा गज़ब आता है और खुदा मूसा से कहता है कि मैं इन लोगों को काट डालूंगा। And you know what the matter was? But God's servant Moses said, Who want to save? Come the Lord's side, you will be saved. और मेरे सो तब मूसा जब पहाड़ के नीचे जाता है तो वो उनके साथ कलाम करता है, उन सब भीड़ के साथ, कि जो खुदा की तरफ है वो इधर मेरे पास आ जाए ताकि वो बचा लिए जाए। एंड The Aaron and many gathering come aside with God's people. हारून और उसके साथ कई लोग जिनके दिल में खुदा की मोहब्बत और खुदा का खौफ था वो उसकी तरफ आ गए, मूसा की तरफ। And they all the left people destroyed by the God disease. और मेरे अजीजों उसके बाद खुदा ने उन सब लोगों पर मोहलिक वबा नाजिल की जो खुदा के हुक्म के खिलाफ गए। And many times this was repeated in the Old Testament when the Israelites, the people of God, didn't repent and they perform mistake again and again. The God was in full of anger. Many times God tried to kill them, but they were saved by God's love and God's servant and their prayer and repentance. और मेरे अजीजों ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि इसके बेशतर जो है वो कई वाक्यात मिलते हैं कि जब इसराइल कौम ने खुदा के खिलाफ गुनाह किए, उसकी शरीयत के, उसके हुक्मों के खिलाफ गए, तब खुदा ने चाहा कि खुदा उनको हलाक कर दे, खुदा ने उन्हें उन पर मुसीबतें नाजिल की, वबाएं नाजिल की, लेकिन फिर वो खुदा की मोहब्बत और खुदा के रहम के वसीला से बच जाते, क्योंकि लिखा है कि खुदा हमारा खुदा मेहरबान खुदा है। सो टुडे गॉड्स ऑल ऑफ यू Who love he want to save you from this disease. और मेरे सो आप सब लोग जो खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, खुदा चाहता है कि खुदा आपको अपनी पाक पनाह में रखे और आपको बचाए। Because we read that the God who are faithful will save them. और मेरे सो खुदा के कलाम में जो है साफ बयान है कि जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल के साथ मोहब्बत रखते हैं और चलते हैं, वो जरूर बचा लिए जाएंगे। Amen. आमीन। So today see God punish those who are proud, like China. Many servants go there, many servants there to proclaim the God's kingdom and the holy almighty power, but they rejected many in every time. Now see the God punish them with a little disease. और मेरे जीसु जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूर को बदला देगा, जैसा कि चाइना की बात करते हैं तो चाइना अपने आप पर बड़ा गरूर कर रहा था और मेरे अजीजों जो खुदा के खादम चाइना में तबलीग के लिए जाते वो उनको पकड़ते और कत्ल कर डालते और बहुत से जो है वो चर्चिस को उन्होंने ढा दिया और वो इसलिए कि उनको अपने आप पर अपनी ताकत पर गरूर था। लेकिन अब मेरे अजीजों जब खुदा ने अपना एक छोटा सा नमूना जो है वो कोरोना वायरस की सूरत में दिखाया तो अब वो सब खामोश है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखता है खुदा मगरूर को बदला देगा। सो बी रिपेंट एंड नॉट फियर फ्रॉम दिस वायरस बिकॉज दिस वायरस इज नथिंग। मेरे अजीजों आप ईमानदार लोग हैं, खुदावन ने आपको मसीह यस्सु में ईमान बख्शा है, शिफा बख्शी है, निजात बख्शी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Remember, the God is almighty, above from this virus, because this virus is made from a particles of this clay. और मेरे अजीजों आपको घबराने की जरूरत नहीं, खुदा इस वबाओं से बड़ा है, खुदा मुश्किलात से बड़ा है। मेरे अजीजों आपको अपने अंदर मजबूत ईमान रखना है। Because written
heaven and earth is under his authority. और मेरे सो खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन का अख्तियार उसके पास है. The life and death is also under him. और मेरे सो जिंदगी और मौत उसमें सरायत करते हैं. So today, everyone who is watching us this time, और वो सब मसीही बहन भाई जो आज हमें देख रहे हैं, be remember, हमेशा याद रखें, that always repent and love God. और मेरे सो अपने आप को जो है वो तौबा की तरफ लाए, क्योंकि लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है. मेरे अजीजों, अपने आप को तौबा की तरफ लाए, अपनी खताओं से, अपने गुनाहों से जो है वो तौबा करें, उनका इकरार करें खुदा के हजूर, ताकि आप खुदा की मुकद्दस और पाक बना में जो है वो सुकूनत करें. बिकॉज एवरी लुकिंग एट Psalm 26 verse 12 द रिटन. और जब हम जबूर उसका 26 बाब देखते हैं, is 12 words written, my foot standeth in an even place and the congregation will I bless the Lord. My foot has not stand in the clay that's temporary. My foot upon the rock that Jesus Christ and the gospel of Luke describe your rock is Jesus and no one can destroy you. No one can touch you. Psalm 90 also describe the thousands will around you but will never harm you. और मैंने उसकी 12 आयत में लिखा है, मेरा पांव हमार जगह पर कायम है, मैं जमातों में खुदा को मुबारक कहूंगा. मेरे अजीजो, खुदा के कलाम में लुका के अंजील में भी बयान किया गया है कि आपके जो कदम है, आपके पांव है, वो मजबूत चट्टान पर है, और आपकी मजबूत चट्टान मसीह यीशु है. और इसके साथ साथ जबूर 91 में भी बयान किया गया है कि तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी. सो टुडे डू नॉट वरी, डू नॉट फियर. मेरे सो आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. And remember Romans chapter 8:35 describe that no one can separate us from God's love, neither any evil disease, neither any weakness, because our God is creator of all things. और मेरे सो जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी या जुलम या काल या नंगापन या खतरा या तलवार. Amen. आमीन. So be faithful. So मेरे सो ईमान में मजबूत रहें. So during the preaching, I always let the people know that you are believer of a living God, not God who is made with the clay, a God who is almighty, who is a fierce, who is the God of hosts. और मेरे अजीजों, आपको अपने खुदा पर एतकाद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा कुदरत भरा खुदा है. मेरे अजीजों, हर एक चीज आपके खुदा के अख्तियार में है. So today, with an example, I want to tell you the power of my God. और मेरे सो मैं जो है वो कुछ बातें अपने खुदा की कुदरत में कहूंगा. You see, and every season, like a hot and cold, and very coldness and very warmness, the people become ill. You see, some peoples who are very poor, that like they have no money to buy something. So when the seasons came, they are never ill. They are never fall prey to any disease. But the people who earn money, who earn and buy something good for the season, they become fall prey to any disease and they become ill and very under depression. So why this as God's power? और मेरे जो खुदा की कुदरत का निजाम देखें कि जब आप गरीब लोगों को देखते हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मेरे अजीजों, जब तरह तरह के मौसम तब्दील होते हैं, ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, तो उनके पास जो है वो सहूलियात मयसर नहीं होती, लेकिन इसके बरअक्स मेरे अजीजों वो तंदुरुस्त रहते हैं. और दूसरी तरफ मेरे अजीजों, वो लोग जिनके पास जो है
वो अच्छा पहनने के लिए है, अच्छा खाने के लिए है मेरे अजीज, वो अपना खूब बंदोबस्त करते हैं लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की कुदरत, लिखा है कि खुदा हमारा खुदा जो है वो अदल और इंसाफ करता है। सो टुडे यू नीड टू लर्न, और मेरे से आपको आज खुदा की जिंदा पाक कलाम से सीखने की जरूरत है। दैट यू वॉक बाय विद गॉड, कि आपको खुदा के साथ साथ चलना है, नॉट विद अ वर्ड, और मेरे से सिर्फ अपने अल्फाज ही से नहीं बल्कि अपने अमान से भी खुदा की मोहब्बत का जो है वो सबूत है। सो टुडे आई सी दैट दिस वर्ल्ड इज वेरी थ्रेटन्ड एंड इन फियर, that all the churches in world are sealed and the governments give them notice. So I want to say, government just notice the buildings, not your heart, because the Holy Word described that your heart is a real temple of the God. और मेरे अजीजों, जैसा कि आज आप देखते हैं कि मुकद्दस इबादत गाहों को जो है वो नोटिस भेजे गए हैं, तो आप जो है मेरे सो देखें कि उन्होंने मुकद्दस इबादत गाहों को नोटिस भेजे हैं, आपके दिलों को नहीं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा दिल मेरी हैकल है। हालेलुया, हालेलुया। सो रिमेंबर एंड ऑलवेज रिमेंबर एंड प्रे इन हार्ट, व्हाटएवर, नो मैटर इफ द बिल्डिंग्स आर क्लोज, और मेरे से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका दिल हमेशा खुदा अपने खुदा के लिए खुला रहना चाहिए। एंड टुडे नॉट आई द सर्वेंट, नॉट एनी वन, द गॉड्स वर्ड, द गॉड हिमसेल्फ, द गॉड प्रोक्लेम दैट यू आर सेफ बिकॉज यू लव हिम। और मेरे अजीजों, ये किसी के अल्फाज नहीं बल्कि खुदा खुद आप फरमा रहा है कि जो मेरे साथ मोहब्बत रखते हैं मैं उनको बचाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. So today as a in the social media I see many things like prescriptions, like safety methods, like everyone say, oh, wash your hands with soap, good soap, and take a mask around your mouth that neither any virus can attack you. और मेरे से जैसा कि अब बहुत सी जो है वो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि अपने हाथों को जो है वो बार बार धोएं और जो है वो बाहर निकलने से परहेज करें, मास्क पहन कर रखें। सो टुडे आई वॉन्ट आल्सो गिव यू अ प्रेस्क्रिप्शन, और आज मैं भी आपको एक एहतियाती तदबीर बताऊंगा। वॉश विद योर हैंड, वॉश योर हार्ट विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड नाइदर एनी डिजीज will touch you. और मेरे अजीजो, आप अपनी जिंदगी को, अपने दिल को, मेरे अजीजो, अपने आप को मसीह यसु के अल्लाह से धो लें, तो मैं ईमान रखता हूं कि कोई भी वबा आपके करीब न आएगी। Amen. आमीन। Because then God will protect you. क्योंकि तब मसीह यसु का लहू जो है वो आपकी हिफाजत। So always remember God in all your ways. और मेरे अजीजो, हमेशा अपने जहन में रखें कि खुदा खुदा आपके साथ है। Amen. So God bless all of you. So today we pray at last for the especially the all infected people. So आइए अपने सिरों को झुकाएं और खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ गो होंगे जो इस जो है मोहलिक वबा से मुतासिर हुए हैं। So please everyone close his eyes and his left hand on heart and right hand upon sky and ask to God. और मेरे सिरों अपना दाएं हाथ अपने दिल पर रखें और अपना बाएं हाथ अपने दिल पर रखें, अपना दाएं हाथ आसमान की तरफ उठाएं और हम दुआ करेंगे। ओ हेवनली फादर, ऐ जिंदा आसमानी बाप, गॉड ऑलमाइटी, ऐ जिंदा कादर मुतलिक खुदा, टुडे वी आर थैंक्स यू, आज हम तेरे शुक्रगुजार हैं, एंड फॉर ऑल योर अबंडेंट ग्रेस, और ऐ खुदा तेरी बेपना मोहब्बत और तेरे रहम के लिए, today especially and to holy presence, और आज के हम तेरी पाक हाजिरी में झुक सके, and we pray, और हम दुआ गो हैं, for all the people who are infected, उन सब लोगों के लिए ऐ खुदा जिस मोहलिक वबा से असर अंदाज हुए, oh Lord heal them, ऐ खुदा कादर मुतलिक खुदा, तेरे हजूर दिल की गहराइयों से मिन्नत करते हैं, ऐ खुदा उनको शिफा दे, because you love your peoples, क्योंकि तू अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत रखता है, दैट यू सैक्रिफाइस योर ओन सन, कि तूने ऐ खुदा अपने इकलौते बेटे मसीह यसु को ऐ खुदा इस दुनिया के लिए बख्श दिया, एंड टुडे आई प्रे फॉर ऑल पीपल्स
Our God protect them from all kinds of evils and diseases. पर ऐ खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि उन सब लोगों को जो तुझ पर ईमान रखते हैं और तेरे साथ चलते हैं ऐ खुदा उनको महफूज रखना और इसके साथ साथ ऐ खुदा वो सब लोग जो तुझसे दूर हैं ऐ खुदा तूने तौबा करने और अपने करीब आने का फजल बख्श। And today I pray for all the people who are sick, heal them. और ऐ खुदा जो भी बीमार हैं तुमको शिफा बख्श। And pray for this ministry, bless the president, Bishop Dr. M.M. Vikas. और ऐ खुदा तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि तू वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के इदारे को और इसका जो हेड तकद्दस मां बिशप डॉक्टर एम एम वकास साहब हैं ऐ खुदा तू उनको बड़ी बरकत दे अपनी खिदमत और जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता है। That he make a progress by leaps and bound in spirit and glorify your name. ताकि ऐ खुदा वो दिन रात ऐ खुदा तेरी मेहनत करता है वो तुझ में और तरक्की करे और बरकत पाए। And pray for specially this media PMC channel, bless the all owners and bless them from heaven with abundant that they make also progress by leaps and bound. और ऐ खुदा तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ PMC चैनल के लिए ऐ खुदा इनके तमाम मंबरान के लिए वो सब लोग ऐ खुदा जो तेरे हजूर सरनगू हैं जिन्होंने अपने आप को तेरे लिए वक्फ कर दिया है और तेरी मोहब्बत में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तुमको बड़ी बरकत दे आसमान के दरिचे खोल कर ऐ खुदा अपनी बरकत इन पर नाजिल कर और ऐ खुदा इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। That's the people who serve you. और ऐ खुदा वो सब लोग जो तेरी खिदमत करते हैं। So today in Jesus name. So आज तेरे हजूर ये छोटी सी मिन्नत करते हैं मसीह यीशु के नाम में हम पर रहे। Amen. आमीन। So God bless all of you. Always keep praying. So our prayers always with you. So may Lord bless all of you. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और दुआ और खुदा की हमदो तमजीद में ठहरे रहें। आमीन। In Jesus name. Amen.